हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ रंग प्यार के ऐसे भी इसके बारे में बताने वाली हूँ। ये सीरियल जो है सोनी पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो इसे। ये कहानी जो है मिस्टर दीक्षित, देव दीक्षित और मिस बोस यानी कि सोनाक्षी बोस की है। ये दोनों एक दूसरे को इसी नाम से बुलाते हैं। तो सोनाक्षी जो है एक न्यूट्रिशनिस्ट है और अपने काम में बहुत ही अच्छा है। एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती है। उसके घर में जो है अपना फादर, मम्मी और भैया और एक दादी है। तो ये एक बहुत ही हैप्पी फैमिली है। दूसरी तरफ देव जो है वो अपनी मम्मी को बचपन से स्ट्रगल करते हुए देखता है कि उसके फादर नहीं है और उसके भाई बहन भी है बहुत सारे। तो देव जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके एक बिजनेसमैन बना है और उसका बस एक ही मोटिव है, वो है कि अपनी मम्मी को जो है वो खुश रखना। हाँ, अपनी मम्मी के लिए क्या कर सकती है कि वो खुश रहे। तो उसकी मम्मी की जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो देव जो है थोड़ा सा ट्रिक करके और रूडली सोनाक्षी को उसके मम्मी की जो पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट है उसके लिए रख लेता है। इसके वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव और थोड़ा बहुत किचपिच होता है, लेकिन वो बहुत ही क्यूट लगता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा फ्रेंड बन जाते हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड आप कह सकते हो। हर एक बात शेयर करते हैं दूसरे से। तो देव की जो लाइफ है उसमें कलर की कमी होती है, लेकिन सोनाक्षी जो है उसमें कलर फिल करती है और उसकी लाइफ जो है थोड़ी खूबसूरत बना देती है। लेकिन सोनाक्षी को एक एक्सीडेंट के बाद उसे पता चलती है कि वो देव से प्यार करती है। दूसरी तरफ देव को तभी तक रियलाइजेशन नहीं होता है। देव की एक दूसरी शादी फिक्स हो जाता है, लेकिन शादी के दौरान मतलब शादी बस होते होते देव को ये पता चलती है कि उसके दिल में जो फीलिंग्स है वो सोनाक्षी के लिए है और वो शादी कैंसिल करके सोनाक्षी जो है को जो है एक बहुत ही अमेजिंग वे में प्रपोज़ करता है। तो ये प्रपोज़ल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा इसका प्रपोज़ल। उसके बाद इनके लाइफ में रियल प्रॉब्लम आता है कि जो है देव की मम्मी को ये रिश्ता पसंद नहीं है और आप कह सकते हो कि एक बंगाली है और एक नॉन बंगाली है, इसी की वजह से भी हो सकता है ये। तो उस इनकी शादी तो हो जाती है, लेकिन इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और उसकी मम्मी की वजह से और काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव होता है। एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि ये दोनों एक दूसरे से काइंड ऑफ नफरत करने लगते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं ये दोनों। देव जो है उसके बाद बिल्कुल भी चेंज हो जाता है, मतलब वो अपनी मम्मी की भी उतनी ज़्यादा केयर नहीं करता, एकदम लुक भी इसका चेंज हो जाता है। मैं तो कहूँगी बहुत ही हैंडसम वे में चेंज होता है ये। और सोनाक्षी जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट छोड़ के एक बिजनेस वमन बन जाती है। तो एक टाइम लैप्स के बाद इनका स्टोरी जो दिखाया जाता है, उसके बाद दिखाया जाता है कि सोनाक्षी का जो है एक बेटी है शोहा, वो देव और सोनाक्षी की बेटी है, लेकिन देव को ये पता नहीं होता है। लेकिन जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है 7-8 साल की, तब देव को पता चलता है कि उसकी बेटी है, तो उसको जीतने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो है फिर से देव और सोनाक्षी एक दूसरे को मतलब पुराना जो प्यार है उनको याद आता है और फिर से वो लोग सोचते हैं कि एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। देव की मम्मी भी इसके सपोर्ट में कहते हैं। फिर उसके बाद एक और बेटा होता है इनका और देव जो है अपनी बेटी की देखभाल के लिए घर पे रुकता है और सोनाक्षी जो है काम करता है। तो यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग होती है सीरियल की। लेकिन इसका जो है थर्ड सीज़न जो है वो कुछ ही दिनों पहले आई है, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि सोहा उनकी बेटी नहीं है, एक और लड़का है वो उनका बेटा है। और देव और सोनाक्षी की रिलेशन बहुत पुरानी हो गई, इसलिए रिलेशन में वो प्यार अब रहा नहीं है। तो इसके बारे में वो सीज़न है, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो। बाकी ये ओवरऑल सीरियल बहुत ही अच्छा है। थैंक यू।